उसके अलावा यानी जहाँ पे रिटर्न से सर्टिफिकेट और कॉरेस्पॉन्डेंस है वहां पे अपने पैन नंबर तो रखते ही, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी जगह पे? तो जैसे यहाँ लिखा गया है कि सेल और अगर परचेज, सेल या तो परचेज करें लेकिन मोटर व्हीकल टू व्हीलर को छोड़ के बाकी सब, तो जहां पे भी जहां से परचेज करोगे वहां से आपको ये पैन नंबर सबमिट करना पड़ेगा। फिर अगर कोई भी बैंक या तो कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ओपन कराओ, पैन नंबर आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइम डिपॉजिट करते हो यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या तो बेसिक सेविंग्स अकाउंट, तो उस वक्त आपको पैन नंबर रखने की जरूरत नहीं है। फिर बैंक या तो कोई भी इंस्टीट्यूशन से अगर अपने डेबिट या तो क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो उस वक्त भी अपने को पैन नंबर वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर मुझे शेयर को खरीदने बेचने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो वहां पे भी मुझे पैन नंबर की जरूरत पड़ेगी। वैसे पैन बोलते हैं ना उसके अंदर नंबर आ ही जाता है, लेकिन फिर भी क्या चलन में ये हो गया है कि पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, तो अपने दो बार नंबर बोलते हैं पैन नंबर, दो दो बार नंबर नंबर बोल देते अपने साथ ना। अगर मैं एप्लीकेशन सॉरी यहाँ पे होटल या तो रेस्टोरेंट का कोई भी बिल 50,000 से अगर ऊपर का हो और मैं उसको कैश में पे करता हूँ, तो मुझे पैन नंबर चाहिए। दूसरा, अगर मैं ट्रैवल करता हूँ कोई फॉरेन कंट्री के अंदर और उसके लिए फॉरेन करेंसी लेने के लिए मैं कैश में 50,000 से ज्यादा का पेमेंट करता हूँ, तो भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? पैन की जरूरत पड़ेगी। फिर म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो, फिर कैश में हो या चेक से करो, 50,000 से ज्यादा हो गया तो आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। देन आफ्टर, अगर कोई भी कंपनी के या तो इंस्टीट्यूशन के डिबेंचर या तो बॉन्ड अगर आपको खरीदने हैं, तो इस वक्त भी अगर आप 50,000 से ज्यादा का परचेज करोगे तो आपको पैन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आरबीआई से बॉन्ड खरीदता हूँ और इसमें भी 50,000 से ऊपर का पेमेंट हो जाता है, तो भी मुझे पैन की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं अगर किसी भी बैंक कोऑपरेटिव या तो पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट रखता हूँ, पैसा डिपॉजिट करने जाता हूँ, कैश डिपॉजिट करता हूँ, तो अगर मैं एक दिन में 50,000 से ज्यादा का डिपॉजिट करूंगा तो मुझे पैन मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन जो नोटबंदी का टाइम था ना, कौन सा टाइम पीरियड? नवंबर की 9 तारीख 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक, तो उस वक्त टोटल टाइम पीरियड यानी इतने 50 दिनों की लिमिट आपको दी गई थी, और लिमिट थी कितनी? 2,50,000 रुपये। यानी इन सब दिनों के अंदर मिला के आप 2,50,000 से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। फिर अगर मैं बैंक ड्राफ्ट मांगता हूँ किसी से, बैंक से पे ऑर्डर, बैंकर चेक, और उन सब के अंदर भी अगर मैं ड्राफ्ट लेने के टाइम पे ड्राफ्ट के लिए पैसे जो देने होते हैं वो ड्राफ्ट के पैसे 50,000 से ज्यादा देता हूँ कैश में, तो पैन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट रखता हूँ बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, निधि, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, सब के अंदर, पर अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है और एक साल के अंदर 5 लाख से ज्यादा है, एक बार में 50,000 और पूरे साल में मिला के 5 लाख से ज्यादा, तो फिर मुझे पैन मेंशन करना पड़ेगा। फिर अगर मैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन का अगर यूज करता हूँ, प्रीपेड का मतलब मैंने पहले से पैसे दे दिए और सामने से बैंक ने मुझे ड्राफ्ट दिया तो पे ऑर्डर दिया वैसा, तो उसमें भी एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 से ज्यादा कैश में तुमने दे के इसको विड्रॉ किया तो तुमको पैन मेंशन करना पड़ेगा। फिर पेमेंट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो पेमेंट होता है वो तुमने चेक से नहीं और अगर कैश से किया तो भी आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। शेयर्स के अलावा दूसरी कोई भी अगर मैं सिक्योरिटी को खरीद या तो बेचता हूँ, तो अगर उसका ट्रांजेक्शन 1 लाख से ज्यादा का हो जाता है, फिर चाहे कैश में हो या तो बैंक में यानी चेक से हो, तो भी आपको 1 लाख से ऊपर का अगर ट्रांजेक्शन तो आपको पैन चाहिए। सेल और परचेज बाय एनी पर्सन, कोई भी इंसान अगर सेल परचेज करता है, खरीदना बेचने का काम करता है अगर समझो, और वो भी कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी मकान वगैरह, तो इसमें 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट हो, और अगर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूएशन है 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट भले ना, लेकिन अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यूएशन यानी जिसका जितने का दस्तावेज बना है ना, उस दस्तावेज में गवर्नमेंट ने नक्की की कीमत कितनी 10 लाख से ऊपर की, भले तुमने 4 लाख में खरीदा लेकिन 10 लाख से ऊपर की गवर्नमेंट ने अगर नक्की की हो, तो भी आपको पैन मेंशन करना पड़ेगा। फिर अगर कोई भी सेल या तो परचेज गुड्स एंड सर्विस का ऊपर लिखा ना हो, वैसी सारी सर्विस गुड्स एंड सर्विस का, तो उसमें भी आपको 1 साल में
नहीं, पर ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपने पेमेंट कैश में किया तो फिर वो क्या हो गया, तुमको पैन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने रिवाइज करा रहा हूं मैं ये सब चीजें, क्योंकि आपको याद रखनी है, इसलिए दूसरी बार इसलिए मैं चला रहा हूं। मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं आपको देखो सीधा अपने जो केसेस है उसकी तरफ ले जा रहा, जो अपने काम का है वो ये वाला, राइट। ट्रांसफर, कल अपने क्या देखा था, ये 4 चीजों को देखा था, 5 चीजें टोटल। एक तो मैं असेट ट्रांसफर नहीं करता, मतलब मैं अपनी मिलकत को तुम्हारे नाम नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसकी इनकम तुम्हारे नाम से कर रहा हूं। मतलब मेरे पास एक दुकान है, दुकान से भाड़ा आता है 2 लाख रुपए हर साल, तो वो भाड़ा मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, समझो। तो इस पर टैक्स किसको भरने का, तो मालिक कौन, मैंने, तो टैक्स मुझे भरने का, भले इनकम तुम्हारे अकाउंट में जाती हो। यानी मतलब जब तक मालिकी मेरे पास रहेगी ना, तब तक इनकम के ऊपर का टैक्स मुझे भरना पड़े, फिर चाहे रिसीव करने वाला कोई भी क्यों ना हो, इनकम रिसीव करने वाला, पर मालिकी मैंने ट्रांसफर नहीं की। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, पहली कंडीशन कि तुम्हारी खुद की एसेट होनी चाहिए, दूसरा हमने एसेट को ट्रांसफर नहीं किया है, असेट की ओनरशिप यानी मालिक हम ही है, लेकिन उसके ऊपर जितनी भी इनकम होती है उस असेट के ऊपर, उसको हमने या तो एग्रीमेंट या तो एडजस्टमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट के जरिए से किसी को ट्रांसफर करने माना हुआ है। और यहाँ पे ट्रांसफर जो है ना वो रिवोकेबल हो, यानी वापिस खींचा जाए या ना खींचा जाए, वैसा अगर ट्रांसफर हो ना, तो भी आपको याद रखना है कि अगर ये कब किया जाता हो, ऑन और आफ्टर, बिफोर और ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 1962, तो हमेशा यहाँ पे जिसने ट्रांसफर किया पैसा उसको टैक्स भरना पड़े। यानी मेरी प्रॉपर्टी मेरी इनकम है, लेकिन मैंने इनकम को तुमको ट्रांसफर कर दिया, पर टैक्स तुमको नहीं मुझे भरना पड़े, भले तुम्हारी इनकम है पर टैक्स किसको भरना पड़े, टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे जो खुद इनकम को ट्रांसफर करने वाला है वो होता है। पहला ये केस था। दूसरे केस में ये है, देखो, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट्स व्हेन इनकम देयर फ्रॉम इज रिगार्डेड एज दैट ऑफ ट्रांसफर। देखो इसमें भी सिचुएशन देखो कि असेट में ट्रांसफर करता हूँ किसी ट्रस्ट को, और अपने क्या करेंगे उसको कभी भी रिवोक कर लेंगे, मतलब असेट को मैंने तुमको दे दिया लेकिन उसको कभी भी मैं वापस ले सकता हूँ तुमसे, ऐसा मैंने उसके अंदर क्लोज रखा हुआ है, राइट। अब मैंने क्या किया दूसरी सिचुएशन में, कि असेट मैंने ट्रांसफर कर दी और मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ। असेट ट्रांसफर करूंगा कब, बिफोर अप्रैल 1, 1961। अप्रैल 1, 1961 क्यों लिखा गया है, क्योंकि अप्रैल 1, 1961 में इनकम टैक्स का एक्ट लागू हुआ है, इसकी वजह से इसको लिखा जाता है। बराबर ने, अप्रैल 1, 1961 से इनकम टैक्स के सारे कायदे लागू हो गए, तो पूरा एक्ट नया चालू किया गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद जो भी हुआ ने वो तो सब बराबर है, लेकिन उसके पहले ना काफी सारी चीजें क्लियर नहीं थी, इसलिए बताया गया यहाँ पे कि अगर ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड सिचुएशन है ना, वो देखो क्या लिखा है कि एक्स ने ट्रांसफर किया एक असेट को मार्च की 31 तारीख 1961 को, रिवोकेबल कब है, 1963। 1963 यानी 6 साल से पहले, समझे, जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया उसके 6 साल के अंदर अगर मैं उसको रिवोक कर देता हूँ तो मुझे टैक्स भरना है, लेकिन अगर 6 साल के बाद हो गया तो फिर खत्म, फिर उसके बाद में खत्म, उसको रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं बोल सकते, तो उस वक्त सामने वाले को फिर पैसे भरने पड़े टैक्स के। इफ द ट्रांसफर कंटेन्स एनी प्रोविजन टू रिट्रांसफर, अब रिट्रांसफर, देखो रिवोक करना मतलब मैं खुद तुमको देता हूँ कोई असेट और मैं खुद तुमसे वो असेट वापिस ले लेता हूँ, यानी एग्रीमेंट को कैंसिल करवा देता हूँ, ये हुआ। लेकिन रिट्रांसफर का मतलब क्या, मैंने तुमको बेचा और तुमने फिर वापिस मेरे को बेचा, या तो वापिस दे दिया पैसे से या तो पैसे भी ना, तो ये रिट्रांसफर हुआ, इसको रिवोक नहीं बोल सकते, रिट्रांसफरेबल बोल सकते। तो इसमें भी क्या लिखा है कि होल्डली डायरेक्टली पार्टली कैसे भी तुम करो, इनडायरेक्टली करो, किसी भी तरह से ट्रांसफर करो, पर इसमें तुमने राइट एक्सरसाइज किया हो या ना किया हो, पर अंदर अगर तुमने एग्रीमेंट के टाइम पे लिख दिया हो कि 10 साल बाद में ये एसेट तुमसे वापस खरीद लूंगा, तो अगर इस तरह से तुमने एग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ हो ना, तो फिर चाहे तुम खरीदो या ना खरीदो, जब तक तुमने उसको पूरी तरह से सामने वाले को ट्रांसफर करना नहीं कबूल किया, तब तक उसके ऊपर होने वाली सारी इनकम के ऊपर टैक्स बेचने वाले को, पहली बार बेचने वाले को भरना पड़ेगा, खरीदने वाले को नहीं।
और सिचुएशन फाइव देखो इसका, तो सिचुएशन फाइव में क्या बताया कि अगर ट्रांसफर हो उसके पास कोई भी राइट है, यानी मतलब मैंने तुमको ये शर्त पे एसेप्ट दी कि चलो मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो तुम ले लो, लेकिन मेरे घर में जब भी शादी ब्याह का प्रसंग आए ना तो वो प्रॉपर्टी मैं तुमसे यूज करूंगा और उसके मैं तुमको कोई भी पैसे नहीं दूंगा, समझे? यानी मैंने ये क्लॉज रखा उसके अंदर के भले तुम्हारी प्रॉपर्टी लेकिन मुझे यूज करने देने की, ऐसा अगर मैंने क्लॉज रखा ना तो भी इसके ऊपर होने वाली सारी इनकम के ऊपर का टैक्स मुझे भरना पड़े आपको नहीं, ऐसा है राइट? तो यहां तक अपने किया हुआ था। अब मैं यहां से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, व्हेन एन इंडिविजुअल इज असेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, स्पाउस यानी जीवन साथी, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ये कौन से सेक्शन में लिखा गया है? 64(I)(2) उसके अंदर लिखा गया। तो कंडीशन में देखो, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप नहीं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं, क्या होना चाहिए? सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि शादी इंडिविजुअल कर सकता है, कंपनी थोड़ी शादी करेगी। कंडीशन टू, ही और शी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, किसी भी बिजनेस के अंदर मेरा उतना पैसा लगा हुआ होना चाहिए। स्पाउस ऑफ द टैक्स पेयर, या तो हस्बैंड या तो वाइफ ऑफ द टैक्स पेयर इज एम्प्लॉयड इन द अबो मेंशन कंसर्न, मैं खुद के बिजनेस में मेरी बीवी को अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ, बात समझे? मैं खुद के बिजनेस में मेरी बीवी को अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ और स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन द कंसर्न। अब अगर मेरी बीवी के पास कोई टेक्निकल या तो थियोरिटिकल प्रैक्टिकल प्रोफेशनल कोई भी नॉलेज हो या ना हो, जस्ट बिकॉज शी इज माई वाइफ, मैंने उसको क्या दिया है? जॉब दिया हुआ है, यानी उसके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे उसको जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उसको अपने यहाँ पे जॉब दी है, यानी बात समझे? ये क्यों किया होगा मैंने? टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि वाइफ को पे की जाने वाली सैलरी इनकम टैक्स माइनस हो जाए ना इसमें से, इसकी वजह से मैं ऐसा करता हूँ, तो ये चोरी हुई एक तरह से समझो, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मना किया कि इस तरह की चीज तुम नहीं कर सकते। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई ऊपर की चारों चार, तो फिर उसको दी जाने वाली सारी की सारी रेम्यूनरेशन को तुम इनकम में वापस ऐड कर लो। अब आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, देखो नीचे लिखा है, एक्स इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए लिमिटेड और मिसेस एक्स को हमने एम्प्लॉय किया है ए लिमिटेड के अंदर कोई भी टेक्निकल या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बिना, टू जस्टिफाई द रेम्यूनरेशन इन दिस केस, सैलरी जो है ना वो किसको टैक्स भरना पड़े? मिसिस एक्स को नहीं, मिस्टर एक्स को टैक्स भरना पड़े, जो मालिक है उस कंपनी का उसको, जिसके ऊपर टैक्स भरना पड़े। मतलब टैक्स की चोरी के लिए अगर तुमने अपने किसी स्पाउस को अगर रख लिया हो नौकरी के ऊपर, तो वो नौकरी के ऊपर दी जाने वाली सैलरी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम में से माइनस नहीं करता, समझे ना? अब अदर पॉइंट, वन हैज टू कीप इन माइंड हाउ कंप्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ क्लबिंग अंडर 61(I)(2), सैलरी हैज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15-17। द एक्सप्रेशन कंसर्न कवर्स बोथ बिजनेस कंसर्न एंड प्रोफेशनल कंसर्न, यानी कंसर्न का मतलब, यानी ऊपर लिखा है ना कंसर्न यानी बिजनेस, तो कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, प्रोफेशनल भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जिसके अंदर मालिक यानी मेरा ऐसा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब इतना हिस्सा होना चाहिए और इसमें से मैं प्रॉफिट घर ले जाना जाता हुआ होना चाहिए, ऐसा। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या? देखो लिख दिया ये 20%, 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग या तो मालिकी तुम्हारे पास होनी चाहिए प्रीवियस शेयर के अंदर ड्यूरिंग एनी टाइम। अब सोचो कि 12 जुलाई को मेरे पास 51% शेयर थे, 12 जुलाई को फिर मैंने बेच डाले, फिर मैंने वो शेयर्स को क्या कर दिए? बेच डाले। अब पूरे साल तो वो शेयर मेरे पास थे नहीं, सब बेच डाले, तो एक दिन भी अगर मेरे पास 20% से ज्यादा शेयर होने, एक दिन भी, तो भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उसके अंदर है बिजनेस में, पूरे साल में एक दिन भी, इतना समझ लो। अब अगर कंपनी है तो, और इन केस ऑफ कंसर्न अदर देन कंपनी, इफ एन इंडिविजुअल इज एंटाइटल टू 20% शेयर इन प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है राइट, तो 20% या तो उससे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा उसके पास आना चाहिए, तो हम ऐसा मान लेंगे कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब रिलेटिव का मतलब क्या? रिलेटिव का मतलब इंडिविजुअल मीन्स द हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर और कोई भी लीनियर ब्लड रिलेशन जिसके साथ में हो ना अपना,
खून का संबंध, वो सारे लोग उसके अंदर आ जाते हैं। अब व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अब दोनों का इंटरेस्ट मतलब बिजनेस के अंदर हस्बैंड का भी हिस्सा है 20% से ज्यादा का और वाइफ का भी हिस्सा है 20% से ज्यादा का। तो देखो यहाँ लिखा है कि मिस्टर एक्स एंड हिज रिलेटिव्स, एकला एक्स नहीं है, उसके रिलेटिव भी आ गए, यानी पूरे सगे वाले के साथ मिला के भी अगर 20% हो ना तो भी चले। तो मिस्टर एक्स एंड हिज रिलेटिव्स होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड, और मिसिस एक्स और उसके रिलेटिव होल्ड्स 20% इक्विटी शेयर कैपिटल इन ए लिमिटेड, दोनों में 20-20% शेयर है, तो ये दोनों क्या माने जाएंगे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले माने जाएंगे। फिर दूसरे में लिखा है कि बोथ आर इंटरेस्टेड ऑफ द रेम्यूनरेशन फ्रॉम सच कंसर्न, दोनों को ही मिस्टर एक्स ने मिसिस एक्स को एम्प्लॉय किया और मिसिस एक्स ने मिस्टर एक्स को मिली भगत, समझे, दोनों ने एक दूसरे को अपॉइंट कर लिया उसके अंदर। फिर रेम्यूनरेशन इज रिसीव्ड, और याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर वाइफ के पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन हो और उसके बाद में उसको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया और उसकी पगार जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास रीजन है, यानी हमारे पास कारण है कि उसको हमने क्यों रखा हुआ है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने को नहीं बोलेगा कि तुमको इसके ऊपर का टैक्स खुद भरना पड़ेगा, नहीं बोलेगा, क्लबिंग ऑफ इनकम में हमारी ये इनकम नहीं आएगी, समझ लो, पर उसके पास क्वालिफिकेशन हो तो रेम्यूनरेशन अगर क्वालिफिकेशन के बिना दिया जाता है तो फिर क्लब करेंगे अपने इनकम के अंदर, एंड रेम्यूनरेशन विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड और वाइफ हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सच रेम्यूनरेशन इज ग्रेटर, तो सैलरी इनकम ऑफ मिसिस एक्स एंड मिसिस ऑफ मिसिस एक्स एंड मिसिस एक्स विल बी इंक्लूडेड मिस्टर एक्स, दोनों आ गए, इन द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स बिफोर इज क्लबिंग इज हायर देन मिस। अब ये समझ में नहीं आया आपको, इसको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, देखो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना बराबर से। अब बराबर से इसको समझना, एक सेकंड देना मुझे खाली। देखिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल से पूरी तरह से बराबर से समझना, छोटी छोटी चीजें ये, अगर समझो इसको थोड़ा शॉर्ट करते हो, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूं, मिस्टर एक्स उसकी टोटल इनकम 2 लाख है, अब मिसिस एक्स उसकी टोटल इनकम, टोटल मिला क्या सब मिला के इनकम 1.5 लाख है, अब मिस्टर एक्स को मिसिस एक्स ने सैलरी दी ₹15,000 और मिसिस एक्स को मिस्टर एक्स ने सैलरी दी 12,000, तो इन दोनों में से ज्यादा इनकम किसकी है, ऑब्वियसली मिस्टर एक्स की है, तो यहां पे ये जो सैलरी है ना, सिर्फ सैलरी इनकम नहीं खाली सैलरी, वो यहां पे ऐड हो जाएगी, जिसकी इनकम ज्यादा हो ना उसके अंदर ऐड हो जाएगी, अगर एक्स मिसिस एक्स की इनकम ज्यादा होती तो उसके अंदर अपने ऐड कर देते, यानी 12,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब इसको इसके ऊपर टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स कौन भरेगा, मिस्टर एक्स भरेगा, समझे, दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो ने उसको टैक्स भरना है, और वो भी किसके ऊपर, सिर्फ सैलरी के ऊपर, इसकी बात मत करना तुम, 1.5 लाख के ऊपर टैक्स तो मिसिस एक्स को भरना है, पर सिर्फ बात कर रहे हैं सैलरी की, और सैलरी भी तब जब अपॉइंटमेंट इसलिए दिया गया हो कि जस्ट बिकॉज शी इज वाइफ, और इसलिए नहीं कि उसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, अगर टेक्निकल नॉलेज या तो एजुकेशन होता और उसके बाद अगर उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता तो बात अलग थी, पर यहाँ पे काम कुछ भी नहीं आता लेकिन उसके बावजूद भी उसको अगर जॉब पे रखा गया तो दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो
उसकी इनकम में वो सैलरी प्लस कर देने की। यानी अब मिस्टर एक्स को कितने के ऊपर टैक्स भरना है, 2,27,000 के ऊपर टैक्स भरना है, और मिसिस एक्स को अपने 1.5 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स भरना है। ऐसा समझ में आया, सिंपल चीज है ये। ओके अब ये देखो एक इलस्ट्रेशन के अंदर है आपके पास, जबरदस्त चीज है ये, हर चीज में बता रहा हूं ध्यान देना इसके ऊपर। सैलरी ऑफ बी लिमिटेड देखते रहिएगा, सैलरी ऑफ बी लिमिटेड, लेकिन 5,20,000 मिस्टर एक्स की है, बिजनेस इनकम 10 लाख, राइट, और ये इनकी बिजनेस इनकम है कितनी, 1,60,000, बैंक इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट पे 3,70,000, इसको मिल रहा है 90,000, टोटल इनकम एक्स की हो जाती है 18,90,000, और मिसिस एक्स की हो जाती है 2,50,000, और इसके ऊपर का टैक्स इसको तो नहीं देना है क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर इनकम हो तो ये टैक्स भरना होता है ना, इसलिए ये टैक्स भरता है, ऊपर वाला टैक्स नहीं भर रहा है। अब नीचे कुछ लिखा हुआ है ध्यान देना कि मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड बाय बी लिमिटेड, मिस्टर एक्स को क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट मिला, किसने एम्प्लॉयमेंट दिया, बी लिमिटेड ने दिया, सैलरी बीइंग 40,000 पर मंथ, यानी 40,000 की सैलरी पर मंथ, और 1 महीने की सैलरी एक बोनस की तरह से, मतलब 13 महीने की सैलरी उसको मिली होगी, तो 40,000 इंटू 13 करोड़, तो एग्जैक्टली ये आंसर है आपके पास, 5,20,000। और लिखा हुआ है देखो, ये लिखा हुआ होना कंपल्सरीली, दो तीन चीज है, एक तो कोई टेक्निकल और प्रोफेशनल या तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, और मिसिस एक्स का बी लिमिटेड में कितना शेयर है, जैसे आगे बताया 20% से ज्यादा, राइट, शेयर कैपिटल में कितना 20%, कब से, फ्रॉम मार्च 20, 2019, तो फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम, नेट इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसिस एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो अब सोचो, ये मिस्टर एक्स की जो सैलरी है ना, उस पे मिस्टर एक्स को टैक्स नहीं भरने का, किसको भरने का, ये चली जाएगी यहाँ पे मिसिस एक्स के पास, दोनों ने एक दूसरे को एम्प्लॉय नहीं किया है, समझो, एक ने खाली दूसरे को, यानी मिसिस एक्स ने मिस्टर एक्स को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो अब देखो मैं आपको इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, देखिए ये आपका सोल्यूशन, पहले ऊपर लिखे मिस्टर मिसिस एक्स का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बी लिमिटेड में, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, उसने अपने हस्बैंड को एम्प्लॉयमेंट दिया बी लिमिटेड के अंदर 40,000 की सैलरी में, और 1 महीने का बोनस, मतलब 13 महीने की सैलरी उसको मिलेगी, 5,20,000 शेल बी क्लब्ड इन इनकम। अब कहाँ पे चली जाएगी वो, मैंने बोला मिसिस एक्स, यानी जो 5,20,000 पूरे थे ना वो बाजू में चले जाएंगे, तो देखो यहाँ पे आप सोल्यूशन में देख सकते हो पूरा कैसे कैलकुलेट करना है, सब चीजें इसके अंदर आ जाती है, देखो ध्यान देना, मैं पूरा समझाऊंगा प्रॉपरली। प्लीज नेटवर्क चेक करो, अगर आवाज नहीं आ रही तो। अभी आ रही है बराबर से, देखे अब पहले क्या किया आपने, सैलरी को है ने सामने ले गए, इनकम को छेड़ना नहीं है, ये जो बिजनेस इनकम है ने वो दोनों की अपने सेम रखी है, ये 10 लाख की 10 लाख, बैंक इंटरेस्ट 3,70,000 का 3,70,000, इसकी भी ऊपर लिखी हुई है इनकम 1,60,000, तो 1,60,000 है, और इसकी 90,000, तो 90,000 है, पर ये जो यहाँ इनकम थी ना सैलरी की वो किसके अंदर चली गई, मिसिस एक्स में चली गई, क्योंकि अब टैक्स किसको भरना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी आता जाता है इसको है नहीं, लेकिन फिर भी इसको जॉब हमने दे दी इसकी वजह से। अब दोनों की इनकम कितनी हो गई, पहले की 13,70,000 और 7,70,000 दूसरे की। अब यहाँ पे डिडक्शन, डिडक्शन मतलब कोई चीज अगर माइनस होती हो, ATC, ATCC, CCC, CCD,
80 DDB ऐसे बहुत सारे सेक्शन है, पर आपको लिख दिया जाएगा वो तो क्वेश्चन में, डोंट वरी। तो ये दोनों डिडक्शन कितने हैं, नील दोनों के ही। तो अब नेट टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई उनकी, 13,70,000 और 7,70,000। अब टैक्स कैसे काउंट करें तो देखना, टैक्स का कैलकुलेशन मैं आपको बाद में समझाता हूँ, अभी मैं आपको है ना टोटल इसी के ऊपर जाता हूँ, क्योंकि टैक्स रेट है ना, मैं आपको कल शाम के लेक्चर में टैक्स रेट कैसे अपने कैलकुलेट करते हो उसके ऊपर गिनेंगे। याद रखो टैक्स रेट है ना हर साल का अलग अलग होता है, इस साल का भी अलग है। अभी जो टैक्स रेट है ना इंडिया के अंदर वो सब में डिफरेंट। तो देखो मैं आपको बता दूं, असेसमेंट ईयर 2021-22 के अगर आपको टैक्स रेट देखने हो तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। कितने तक, 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। ये बुक होकर आपके पास तो लिख लीजिए, ये 2,50,000 तक नील, नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन को नहीं, राइट। अब 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक, आपको 5% टैक्स भरना है, राइट। फिर 5 लाख एक से लेके 7,50,000 तक, पहले 20% था, अभी हो गया है 15%। तो शायद ये जो बाजू में आपको फिगर लिखी है ना वो फिगर थोड़ी अलग आएगी। फिर अगर आपकी इनकम 7.5 लाख, अभी समझा देता हूँ नहीं तो फिर भूल जाएंगे अपने, शाम तक तो याद भी नहीं रहेगा कि कौन कौन सी चीजें थी उसके अंदर। और 10 लाख हो, तो आपको 15% टैक्स देना। एक मिनट है, एक चीज का करेक्शन, यहाँ 10% हो गया है, 10% हो गया है, राइट। और उसके बाद अगर आपने देखे 10 लाख से ज्यादा अगर इनकम हो, 10 लाख से 12.5 लाख, स्लैब देखो कितने सारे, 10 लाख एक से 12,50,000 तक, तो आपको 20% टैक्स भरना है। फिर अगर अपने 12,50,000 एक से 15 लाख तक जाए तो आपको 25% टैक्स भरना है, और 15 लाख से ज्यादा कितनी भी इनकम हो, मोर देन 15 लाख, तो आपको सीधा फ्लैट 30% टैक्स भरना है उसके ऊपर। अब यहाँ पे अपने केस में अपनी 13,70,000 की इनकम है, तो मैं एक इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, और मैं अभी दूसरा पेज ओपन कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने, इसको चार्ट बना के पूरा सा कंप्लीट करेंगे। देखो टैक्स कैसे गिनते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कल से आपको बोल रहा हूँ कि ये आप कोई भी जगह पे जॉब करोगे ना, कोई भी जगह पे अगर आपको इन केस घर के अंदर भी बिजनेस के अंदर काम करना है तो उसमें भी आपको टैक्स रेट वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है वो सब इसके अंदर समझा दिया जाता है, इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये। बराबर, तो पहली लिमिट कौन सी, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है, यानी नील हो गया। अब अढ़ी लाख एक से लेके 5 लाख तक, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 2.5 लाख का, उसके ऊपर उसको टैक्स भरना है 5%। तो 12,500 का टैक्स हुआ पहला लेवल। बराबर, अब दूसरे लेवल में 5 लाख एक से अपने 7.5 लाख तक जाते हैं,
13,70,000 को अलग अलग हिस्सों में हमको डिवाइड करना है, तो ये कितना हुआ डिफरेंस, 2,50,000 का डिफरेंस हुआ। तो ये 2,50,000 पे उसको टैक्स पे करना है 10%, यानी कितना हो गया 25,000, राइट। अब तीसरे में तीसरा स्लैब 7,50,000 से 10,00,000 तक, ये भी 2,50,000 का डिफरेंस है, और ये 2,50,000 के डिफरेंस में आपको 15% टैक्स पे करना है। ये हुआ आपका 37,500। फिर और एक स्लैब कौन सा, 10,01,000 से लेके सॉरी 12,50,000, 12.5 लेके, ये भी 2,50,000 का डिफरेंस हुआ टोटल। ये 2,50,000 के डिफरेंस में आपको 20% टैक्स पे करना है, तो 50,000 रुपये ये टैक्स के हुए। और फिर 2,50,000 से अपना इनकम का लिमिट, 2,50,000 से 2,50,000 एक से 12,50,000 एक से 13,70,000 तक, समझे। अपनी तो इनकम 13,70,000 तक आ जाए, तो 13,70,000 तक आपको 25% टैक्स भरना। तो देखो डिफरेंस कितना होता है इसमें, 13,70,000 माइनस 12,50,000, 1,20,000 का डिफरेंस है। 1,20,000 पे आपको 25% टैक्स भरना है इंटू 25%, ये हो गया आपका 30,000। अभी इन सबका टोटल करें आपने, इतना टैक्स आपको भरना है 30,000, फिर 50,000, फिर 37,500 प्लस 25,000 प्लस 12,500, तो आपकी नेट टैक्स अमाउंट आ जाती है 1,55,000, 1,55,000। और समझ लो कि 1,55,000 कोई लास्ट नहीं है ये अमाउंट, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,